देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लेकिन लंबे समय के बाद यह माना जाए कि विधानसभा 2023 और लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मीडिया के सामने सामूहिक रूप से रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होने का मुख्य वजह यह रहा कि जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने माहौल बनाया था कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और डबल इंजन की सरकार में सारे काम फटाफट होंगे, विकास तेजी से दौड़ेगा, एक गति पकड़ेगा, इस तरह से एक माहौल बनाया था। और जैसे विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान के अंदर भजनलाल जी की सरकार बनी और विशेषकर चर्चा में है पर्ची की सरकार। लेकिन सरकार जिस दिन से बनी है उस दिन से सरकार को या सरकार चलाने वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम किस पद पे बैठ गए हैं, इस पद का निर्वहन कैसे करना है। ना तो मुख्यमंत्री जी को समझ में आ रहा है, ना ही उनके जो मिनिस्टर है, इन मिनिस्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए। वहीं से हम सीधा हमारे शेड्यूल एरिया पे आ जाते हैं और शेड्यूल एरिया में हमारे दो मिनिस्टर बनाए हैं, टीएडी मिनिस्टर बनाए हैं और एक राजस्व मंत्री बनाए हैं। अच्छी बात है कि आदिवासी इलाके से दो मंत्रियों को बनाया है। हमें भी आशा थी, भले हम विपक्ष में थे, लेकिन इस क्षेत्र को लेके कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन आज ये 8-10 महीने होने आ गए और जिस तरह से उनका जो रवैया रहा है, उनके डिपार्टमेंट के मंत्री कम नज़र आते हैं, ये एज ए पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज़्यादा काम कर रहे हैं। उनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है उनको कोई पता नहीं है। एज ए पार्टी पर प्रचारक के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट के अंदर अधिकारी वर्ग एक चूहे की तरह पूरे डिपार्टमेंट को करतने का काम कर रहे हैं। लेटेस्ट एक न्यूज़ आई थी टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर, जिस तरह से सामग्री का बंटवारा हो रहा है। आज टीएडी डिपार्टमेंट के अंदर छात्रावासों के अंदर हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको घटिया सामग्री का जो वितरण किया जा रहा है। छात्रावासों में जैसे असुरक्षा बढ़ रही है, हॉस्टल वार्डन जितने भी थे, टीएडी एक मिनिस्टर साहब ने राजस्थान विधानसभा की गरिमा को तार तार किया है। आप सबकी जानकारी में होगा, मैं विधायक था, 2023 में दोबारा चुन के गया। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था कि टीएडी का कैडर बन रहा है, उस कैडर का क्या हुआ। टीएडी का नॉर्म्स है, सर्कुलर है कि 3 साल से अधिक कोई भी वार्डन नहीं रह सकता है। मैंने क्वेश्चन लगाया था, मंत्री जी ने जवाब दिया विधानसभा के अंदर कि हाँ बिल्कुल, टीएडी के अंदर 3 साल से जितने पुराने वार्डन हैं सारों को सारों हटा दिया जाएगा। मंत्री जी का विधानसभा के अंदर जवाब है ये। सेकंड, उन्होंने कहा था कि 2 से 3 महीनों में कैडर को पूरा कर दिया जाएगा। कैडर की प्रक्रिया चल रही है और उस कैडर का निर्माण जल्दी किया जाएगा ताकि टीएडी की अलग से वैकेंसी जारी करके भर्ती की जाएगी। एक राजस्थान की विधानसभा, एक सबसे सर्वोच्च हमारा राज्य का सर्वोच्च सदन के अंदर एक मिनिस्टर एक संवैधानिक पद पे संवैधानिक सभा में ये झूठ बोले हैं कि 3 साल से ऊपर जितने वार्डन थे उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ नहीं है, सारों को एक नोटिस दिया गया, फिर दुकान लगाई गई डूंगरपुर जिले में किसी मंत्री पूर्व मंत्री के घर पे और दुकान लगाई, वहाँ सारे वार्डनों की लाइन लगी और लाइन लगने के बाद लिफाफे पहुँचे और सारा मामला ठंडे बस्ते में चल रहा है। और जो वार्डन, कई वार्डन ऐसे हैं जहाँ डिपार्टमेंट का आदेश ही नहीं है और उस वार्ड होटल में जाके वार्डनगिरी कर रहे हैं, मतलब कोई आदेश नहीं है, बिना आदेश के ऐसे वार्डन बन के बैठे हुए हैं आज। मतलब एक ठेके पे डिपार्टमेंट और छात्रावास को ठेके पे देने का काम वर्तमान टीएडी मंत्री जी ने कहा है। एक सोचने वाली बात यह है कि वर्तमान राजस्थान और शेड्यूल एरिया में विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में हालत खराब है, चिकित्सा सुविधा बिल्कुल चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है। पिछले 10 महीनों के अंदर सरकार ने किसी भी विशेष भर्ती नियुक्ति अभी तक नहीं कराई है, पूर्ण नहीं कराई है और बेरोजगारी बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। सड़क सुविधा को लेके हर प्रकार की जो सुख सुविधा है उस पर किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। लेकिन उन लोगों की एक चाल है
कि इन सारे मूलभूत मुद्दों से भटकाना है तो वो सीधा धर्म पे और इतिहास पे आ जाते हैं। हमें जहाँ तक लगता है कि टीएडी मिनिस्टर और साथ ही हमारे उदयपुर के सांसद माननीय मन्नालाल जी, इन दोनों को आदिवासियों का इतिहास और आदिवासियों के हक अधिकार खत्म करने के लिए बनाया है, ऐसा महसूस हो रहा है। वो दोनों रेगुलर आदिवासियों के इतिहास और उनके हक अधिकार पे हमेशा कहीं ना कहीं कटाक्ष करते आ रहे हैं, तो पार्टी की तरफ से उनको डेपुट कर रखा है कि आप आदिवासियों के हक अधिकार और आदिवासियों के इतिहास पे बार बार वार करो ताकि ये इतिहास खत्म हो जाए। देखो, इस देश की आज़ादी में हर समुदाय का योगदान रहा है। इस देश में जितने आक्रमणकारी आए वो हर धर्म, हर व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति लड़ा है। उस समय कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, उस आधार पे युद्ध में नहीं जाते थे। एक अंदर राष्ट्र भावना थी और लोग इस देश के लिए लड़ते थे, मर मिटते थे। लेकिन जिस तरह से मानगढ़ का इतिहास, आदिवासियों का इतिहास, उसमें स्पष्ट लिख रखा है, गोविंद गुरु महाराज को जब गुजरात कोर्ट में अंग्रेजों ने पेश किया तो उस कोर्ट का जजमेंट है, उस जजमेंट में स्पष्ट लिख रहा कि बिलराज कायम करने के लिए ये आंदोलन छेड़ा जा रहा था भक्ति के माध्यम से। तो मन्नालाल जी का न तो इस डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेना देना है, न ही उस भक्ति से लेना देना है, और न ही यहाँ का इतिहास जान रहे हैं। लेकिन किसी के इशारे पे ये लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारा इतिहास को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, उनके पार्टी आलाकमान को खुश करने के लिए। राणा पूजा भील की जयंती कल हुई, पूरे देश में धूमधाम से मनाई, आदिवासी समुदाय ने भी मनाया, अन्य ने भी मनाया। लेकिन जिस तरह से टीएडी मंत्री का कल विवादित बयान आया है, उन्होंने कहा है कि राणा पूजा भील नहीं थे, वो सोलंकी राजपूत वंश से थे। एक इतिहास को खत्म करने का काम कर रहे हैं। सबको पता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पे उनके वंशज भी हैं, लेकिन जिस तरह से मॉडिफाई करके किसी विशेष संगठन के द्वारा उनको पोषित किया जाता है मानसिक रूप से, और वो ऐसे बयानबाजी करते हैं क्योंकि उनको वोट बैंक का डर है, उनको राजनीति का डर है। तो राणा पूजा के बारे में जिस तरह से उन्होंने गलत कमेंट किए हैं, उसको लेकर पूरे आदिवासी समुदाय और साथ ही अन्य समुदाय में भी ये एक आक्रोश पैदा हुआ है। एक राज चिन्ह, मेवाड़ का राज चिन्ह में स्पष्ट लिख रखा है, एक तरफ भील राणा पूजा की तस्वीर है, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की तस्वीर है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने इतिहास को मरोड़ने का काम किया है, उसको लेके पूरे आदिवासी समुदाय में आक्रोश है, और आने वाले वक्त में उनको अवश्य कहीं ना कहीं मतलब मुंह की खानी पड़ेगी। एक डूंगरपुर जिले का विशेष मुद्दा है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना शुरू की, उन्होंने टारगेट रखा कि 2022 तक घर घर नल पहुँचाएंगे। जल जीवन मिशन शुरू किया और 2022 तक घर घर मिशन पहुँचाएंगे। हम भी समझते हैं कि कोई भी टारगेट होता है, जरूरी नहीं है वो उस समय में 2-3 साल लेट भी होते हैं, लेकिन आज 2024 आया, डूंगरपुर जिले में 15% भी घर घर जल जीवन मिशन योजना सफल नहीं हुई है। मैंने लोकसभा के अंदर क्वेश्चन निकाल के, मतलब क्वेश्चन लगा के डिटेल निकाला है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शेड्यूल एरिया में वो 18% के आसपास है, पूरे शेड्यूल एरिया में, मतलब उनकी जो स्कीम थी वो 85% असफल हुई है। हमने करेणा प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था पिछली सरकार में, 886 करोड़ का करेणा प्रोजेक्ट, जो पूरी 84 विधानसभा साथ ही डूंगरपुर का और गलियागुट का, मतलब 3 विधानसभा का कुछ हिस्सा कवर हो रहा था। प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट का टेंडर लग गया, टेंडर लगने के बाद सरकार बदली और सरकार ने इस प्रोजेक्ट पे आज रोक लगा दी है। एक तरफ कह रही है घर घर जल जीवन मिशन पहुंचाएंगे, अभी दोबारा टेंडर लगा, टेंडर ओपन नहीं कर रही है गवर्नमेंट। मतलब ये क्लियर है कि ये लोग कहीं ना कहीं सिर्फ धर्म की राजनीति पे, विकास का सिर्फ छोला पहनते हैं, और विकास में जो काम मैंने प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया करेणा का पूर्व मुख्यमंत्री जी से, सब कुछ हो गया है, लेकिन ये टेंडर ओपन, अभी रीटेंडर जो लगा है उसको ओपन करके वर्क ऑर्डर देने का काम नहीं कर रहे हैं। और अभी 84 में उपचुनाव के लिए आ रहे हैं, 84 की जनता तैयार है कि राजकुमार रोत ने, पूर्व सरकार ने जो प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया था उस प्रोजेक्ट को बीजेपी ने रोक लगाया है, तो बीजेपी पे भी यहाँ पे रोक लगेगी, और जितने वोटों से पिछले 2023 में हारे थे उससे ज़्यादा संख्या से और हारेंगे। लेकिन उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि हम धर्म की राजनीति के नाम से चुनाव जीत जाएंगे। साथियों, एक डूंगरपुर जिले ही नहीं, पूरे राजस्थान में एक बड़ा इशू चल रहा है। पिछले 5 सालों में जितने विद्यालय क्रमोन्नत हुए, 8वीं से 10वीं बनाया, 10वीं से 12वीं बना, उस विद्यालय में क्लास शुरू हुआ, एडमिशन जरूर हुआ, लेकिन वो पद, टीचर का पद, सेकंड ग्रेड टीचर और व्याख्याता का पद आज तक क्रिएट नहीं किया गया है।
अभी सरकार ने पिछले 10 महीने हो गए, 10 महीने होने आ गए, उन पदों का क्रिएट नहीं हुआ है। डूंगरपुर जिले में ऐसे कई विद्यालय हैं और मेरी जानकारी में 100 से 150 सेकंड ग्रेड और व्याख्या तक के पद हैं जो गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर रही है। क्रिएट नहीं करने के पीछे मूल रीजन क्या है? क्योंकि पद रिक्त बताएगा, जैसे क्रिएट करेंगे तो पद रिक्त बताएगा। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारी पोल खुले, इसलिए जो मतलब क्रमोन्नत जो विद्यालय थे उन विद्यालयों में पद क्रिएट करने का वर्तमान गवर्नमेंट में कोई काम नहीं किया गया है। एक लंबे समय से डिमांड चल रही है ग्रामीण इलाकों के अंदर, और ग्रामीण परिवेश कहीं ना कहीं रोजगार नरेगा पे डिपेंड रहता है। हर परिवार कहीं ना कहीं जो गरीब परिवार है वो रोजगार गारंटी में निर्भर रहता है। लेकिन पिछले समय में से लगा के वर्तमान तक केंद्र सरकार ने नरेगा का लेबर पार्ट का बजट काफ़ी लॉस किया है, और जो अभी बजट आया उस 2023 वाला जो लास्ट बजट रहा केंद्र सरकार का, सेकंड जो सरकार एनडीए की जो बनी, उसका 33% नरेगा का बजट उन्होंने कटौती किया। और आज भी डूंगरपुर जिले में नरेगा में तीन चार महीने हो गए नरेगा का लेबर का पैसा नहीं आ रहा है। छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन कर रहे हैं बच्चे, तीन साल हो गए छात्रवृत्ति नहीं आ रही है। पेंशन जो बड़ा बुजुर्गों को एक सहारा मिल रहा था, उस सहारे को भी वर्तमान सरकार ने कहीं ना कहीं खत्म करने का, उनको बेसहारा बनाने का काम किया। पेंशन भी दो दो तीन तीन महीने हो गए गरीब लोगों की, जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन, इन सारी पेंशन दो दो तीन तीन महीने हो गए पेंशन नहीं आ रही है। मतलब ये ऑल ओवर ये है कि वर्तमान जो सरकार डबल इंजन की सरकार के नाम से तो लग रहा है कि एक इंजन आगे लगा है, एक इंजन पीछे लगा है, और दोनों दोनों तरफ खींच रहे हैं, और खींचने से सारी राजस्थान की जनता त्रस्त हो रही है, सारी योजनाएं फेल हो रही है। और माना जाए कि आम जो जीवन यापन कर रहा था वो व्यक्ति भी त्रस्त है, क्योंकि महंगाई बहुत तेजी से इस वर्तमान सरकार में बढ़ी है। इन सारे मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी समय समय पे आंदोलनरत भी है, समय समय पे संघर्ष भी करते हैं, मुद्दों को उठाते भी हैं। तो हमारा विजन ये रहेगा कि भाजपा उपचुनाव में आ रही है, लेकिन किन मुद्दों पे आ रही है? और उपचुनाव की बात स्टार्ट करते हैं तो भाजपा ने पहले ही हार मान ली है सभी सीटों पर। भाजपा ने पहले ही हार मान ली है, क्योंकि नॉर्म से रहता है कि जो विधायक चुना जाता है और विधायक पद पर रहते हुए सांसद चुनाव लड़ता है तो उसको एक साल का बजट रिलीज कर दिया जाता है। राजस्थान के अंदर 5 जगह ऐसे एमएलए हैं जो एमएलए रहते हुए सांसद बने, एक जगह आरएलपी का, 3 जगह कांग्रेस का, और एक में बीएपी से। तो 5 जगह वर्तमान सरकार ने एमएलए कोटे पे बैन लगा दिया है। आज तक के इतिहास में ये देखा गया है कि पहले भी एमएलए रहते हुए सांसद बने हैं, लेकिन उनका बजट रिलीज कर दिया जाता था, एक साल का बजट जो संबंधित एमएलए होता है उसको दिया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, इससे सिद्ध हो गया कि वो पहले ही हार मान चुके, 5 सीटों पे पहले ही हार मान चुके हैं, और अवश्य हारेंगे, बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि उनकी नीतियां सही नहीं रही है। आम जनता को कौन सी पार्टी कौन नेता वो लेना देना नहीं है, आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से, पारदर्शिता से डिपार्टमेंट के अधिकारी काम करें, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है भले किसी भी गवर्नमेंट की हो उस स्कीम धरातल पे पहुंचे। लेकिन वर्तमान सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा है, और एक तानाशाही रवैये और अधिकारी वर्ग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के जोरदार तरीके से वो चूहे की तरफ कूदने का पूरे डिपार्टमेंटों को काम कर रहे हैं। इन समस्त मुद्दों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी कि हमारे राष्ट्रीय सदस्य भाई विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी, हम सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, और हमने आपके माध्यम से मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि विधानसभा उपचुनावों में अगर आना है तो वास्तविक आपकी गलतियां जो है उसको स्वीकार किया है, स्वीकार करें, और जिस तरह से डिपार्टमेंटों में डूंगरपुर जिले, बांसवाड़ा जिलों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोके, और गलती स्वीकार करके आए तो जनता कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वीकार करेगी, बाकी बहुत बुरी तरह से ये लोग हारने वाले हैं। ज्यादा हो गया सर, एक सवाल वापस वही रहेगा कि प्रत्याशी की घोषणा कब तक होगी उपचुनाव में? प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और संभावना है कि वो जब आचार संहिता लगेगी इसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। गठबंधन में रहेगी 100% लगभग अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो मतलब हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे दोनों जगह। हाँ सर, एक आपका बयान हमेशा आता रहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, बिल्कुल इसको लेकर क्या कहेंगे? चलो ये अच्छी बात आपने छेड़ना जरूरी है, सच्चाई जानना जरूरी है। आज
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखा जाए तो आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति रीति रिवाज बिल्कुल अलग है, वो किसी भी धर्म में मेल नहीं खाती है, भले वो हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, सिख हो, किसी धर्म में मेल नहीं खाती है। लेकिन आदिवासी समुदाय आस्था जरूर रखता आ रहा है, आज भी रखता है। जैसे कि जैन समुदाय के अपने अलग धर्म कोड है, उनकी जनगणना होती है, जैनों की अलग होती है, लेकिन जैन समुदाय कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों में या जाता है, एक आस्था अलग चीज है। तो हम हमारी आइडेंटिटी जो वास्तविक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है, न ईसाई आता है, न मुस्लिम। लेकिन देश लेवल पे हमने जो फेस किया कि आदिवासी समुदाय महाराष्ट्र के अंदर देखा जाए तो मुस्लिम बना हुआ है, कई जगह ईसाई बना हुआ है, कई जगह जैन भी बना हुआ है, कई जगह हिंदू भी बना हुआ है, तो उसकी वजह से आदिवासी समुदाय की जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार आदिवासियों का अगर हित चाहती है तो सबसे पहले आदिवासियों की आइडेंटिटी का संरक्षण करने का काम करें, तो आदिवासियों का अलग से धर्म कोलम जनगणना में जारी करें। ये लंबे समय से डिमांड चल रही है, लेकिन वर्तमान जो भाजपा की सरकार है उनको लगता है कि धर्म के नाम से सिर्फ आदिवासियों को बांध के राजनीतिक लाभ लेना है। हम किसी धर्म का विरोधी नहीं है, हम ये कह रहे हैं आदिवासी हिंदू है ईसाई नहीं, इसका मतलब हम हिंदू या ईसाई के विरोधी नहीं है, लेकिन वास्तविकता यह है कि आदिवासी की अपनी आइडेंटिटी है। मैं उन्हीं मंत्री जी पे चला जाता हूँ, आपने याद दिला दिया, बाबूलाल जी, अगर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता तो बाबूलाल जी का फॉरम पास नहीं होता, वो विधायक नहीं बन पाते। उनके नॉमिनेशन में उन्होंने लिखा है क्योंकि उनकी दो पत्नियां हैं, और हिंदू विवाह अधिनियम में दो पत्नियां, जो हिंदू विवाह अधिनियम जिस पे लागू होता है वो दो पत्नियां रिकॉर्डली नहीं रख सकता है, अगर रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। प्रावधान है हिंदू विवाह अधिनियम का, भी प्रावधान है, कैसे आदिवासियों को छूट का प्रावधान भी दिया हुआ है उसी एक्ट में है, नहीं उसी एक्ट में इसमें पढ़ा होगा, उस एक्ट में स्पष्ट लग रखा है कि इसको आदिवासी समुदाय को सेपरेट रखा जाएगा, हिंदू की हिंदू में ही माना गया है ना, उस एक्ट में नहीं माना गया। मैंने जहां तक पढ़ा ये है कि आदिवासी समुदाय को हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा, उस पर छूट रहेगी, ये स्पष्ट लिख रखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये आदिवासी समुदाय, उस एक्ट में कहीं नहीं लिख रखा है कि आदिवासी समुदाय हिंदू है, ये नहीं लिख रखा है। आपने बात को छेड़ ही दिया है। भाजपा जिस तरह से जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के खंगाल के ट्राइबल से जुड़े हुए इशूओं को खत्म करने का काम कर रही है। आप एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान की किताब थी, उस सामाजिक विज्ञान की किताब में बिरसा मुंडा की जीवनी लिखी थी और बिरसा मुंडा के उद्देश्य लिखे थे, तो उस एनसीईआरटी में लगभग बता रहे हैं 25-30 सालों से चला आ रहा था कि बिरसा मुंडा की जीवनी लिखी थी और बिरसा मुंडा ने कहा था कि आदिवासी समुदाय की पूजा पद्धति अलग है, न वो हिंदू है, हिंदू से मेल खाती है, न ईसाई से मेल खाती है। उस पाठ्यक्रम में था, एनसीईआरटी की किताब में। यहाँ मन्नालाल जी छेड़ रहे हैं यहाँ राजस्थान के पाठ्यक्रम को छेड़ने के लिए, अब एनसीईआरटी की बात कर लें, हम एनसीईआरटी की बात कर लेते, तो एनसीईआरटी में ये था, लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने 2024 का जो पाठ्यक्रम आया उस पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी के इस पार्ट को हटा दिया। उस पार्ट को क्या लिखा कि बिरसा मुंडा की जीवनी लिख दी, बिरसा मुंडा चाहते थे कि आदिवासी समुदाय ईसाई धर्म से दूर रहे। पहले में क्या था, 2023 तक जो चला रहा था उसमें ये था कि आदिवासी समुदाय न हिंदू है न ईसाई है, ये बिरसा मुंडा के उपदेश थे। तो जिस तरह से कुरेद के भाजपा के लोग आदिवासी के इतिहास आइडेंटिटी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, वो जबरदस्ती किसी धर्म को, हम लोग देख रहे हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम से नफरत फैलाई जा रही है, आज मणिपुर में क्या हो रहा है, धर्म के नाम से नफरत फैला रहे हैं ये लोग। धीरे धीरे आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाने की एक पॉलिसी है इन लोगों की, ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां सेकें। हम किसी भी धर्म या किसी के समाज के विरोध में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि आदिवासियों की अपनी खुद की आइडेंटिटी बने और धर्म कोलम उनका जनगणना में आए।